जेडीयू नहीं आरजेडी में घमासान नजर आ रहा है। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कैसे जगदानंद सिंह ने यह फैसला ले लिया चंद्रशेखर को सपोर्ट करने का। देखिए ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये चाहते हैं पहले तो ये लोग सब मिल करके इस तरह का बयान दिलवाए थे कि आपसी जातीय उन्माद फैले और उस जातीय उन्माद से पूरे बिहार में दलित पिछड़ा स्वर्ण सब आपस में लड़ेंगे तो उसकी वोट की राजनीति का मुझे फायदा होगा, वोट मिलेगा। लेकिन सब जग गए क्योंकि राम सभी में है, कंकड़ कंकड़ में शंकर है, तो सारे लोग राम के लिए जग गए। सारे लोग राम को आदर्श मानते हैं, अपना संविधान मानते हैं, इस देश के रोम रोम में राम है, तो सारे राम के लिए जग गए। तो जग गए तो जब सार्वजनिक निंदा होने लगी तो अब ये लोग फिर जो है रफू करना चालू किया है कि नहीं हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कैसे प्रदेश अध्यक्ष बयान दे सकते हैं, लालू जी तो वहां है। अरे भाई कोई बयान जब हुआ कि तेजस्वी यादव जी का बयान ही फाइनल होगा उस पर तेजस्वी यादव जी मुंह खोले क्या? नहीं खोले। शिक्षा मंत्री बर्खास्त हुए क्या कि इस तरह की गलती आप कैसे कर दिए? तो नहीं बर्खास्त हुए। इसका मतलब है कि सब मिली भगत है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जेडीयू तो ये सब वोट की राजनीति के लिए झूठ बोल रहे हैं। जेडीयू तो विरोध कर रही है, जेडीयू तो रामायण पाठ जैसे आप लोग जदयू में कर रही है। जदयू कर रही है इसलिए कि जिसको भी राम पर भरोसा है, राम पर विश्वास है, जो भी इस देश के संस्कृति को, सनातन संस्कृति को समझता है, मानवता को समझता है, जिसको सभी धर्मों पर विश्वास है, वो राम का विरोध नहीं करेगा। पूरे मामले पर जेडीयू से आपको कोई शिकायत है ना? नहीं है ना? देखिए जेडीयू को जो करना चाहिए, हम सभी धर्मों के आदर करने वाले लोग हैं जी। जो भी सभी धर्म को आदर करते हैं वो सब इसकी निंदा करेंगे। कांग्रेस ने एक बयान दिया है, आज कांग्रेस के प्रवक्ता है आशित नाथ तिवारी, उन्होंने कहा है कि अगर शिक्षा मंत्री के बयान के साथ आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व खड़ा है तो मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कांग्रेस आरजेडी के साथ खड़ी नहीं है। तो महागठबंधन में बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ये उनका आपस का मामला है, लेकिन जो राम का नहीं है इस देश में वो किसी काम का नहीं है। तो शिक्षा मंत्री को हटाया जाए क्या लगता है? आप लोग तो मांग कर रहे हैं। अरे माई, मैं तो लगातार बोल रहा हूं कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे अगर इस बयान से अगर नहीं इत्तेफाक रखती है ये महागठबंधन, और अगर नहीं हटाया गया तो इसका मतलब है कि इनकी सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान पड़ा है। मुख्यमंत्री भी नहीं हटा पा रहे हैं जेडीयू, इसका मतलब कि मुख्यमंत्री भी सोची समझी रणनीति के तहत दिलवाए हैं।